तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइनीज फनी वीडियोस आप कैसे बना पाएंगे। देखिए दोस्तों इस टॉपिक पे ना मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं बट उसमें बहुत सारे लोगों के कई सारे डाउट्स आ रहे हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगा कि भाई चाइनीज वीडियो कितना जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, चाइनीज वीडियो पे कितना जबरदस्त तरीके से व्यूज आ रहा है, कितना अच्छा खासा लोग भाई 10-10, 20-20 वीडियो बना के लोग लाखों में सब्सक्राइबर गेन कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग प्रॉपर तरीके से उसपे वॉइस ऐड कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो मैंने जो पीछे की वीडियोस बनाए थे ना उसमें कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे क्या है कि वो लोग अच्छे तरीके से वीडियो नहीं डाउनलोड कर पा रहे थे और कुछ लोग अपनी वॉइस नहीं ऐड कर पा रहे थे, मतलब वॉइस अच्छे प्रकार से दे नहीं पा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूं। पहला प्रॉब्लम जो आपका ये था कि आपका जो वीडियो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, जैसे कि क्या ना आप चाइनीज वीडियो जब देखते हैं उसमें आपको कोई वीडियो बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है भाई अगर मैं इस वीडियो पे अपनी एक्टिविटी ऐड करके मतलब अपनी वॉइस ऐड करके अगर इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो मेरे वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे, तो वो वीडियो डाउनलोड हो ही नहीं पा रहा था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला भाई आप अपने मन से जो भी आपको वीडियो अच्छा लगे आप उसी वीडियो को डाउनलोड करेंगे और उसी वीडियो को अपलोड करेंगे तो भाई आपकी वीडियो पे जबरदस्त व्यूज मिलने वाला है। देखिए दोस्तों आज के इस डेट में ना जो जिनके भी चाइनीज फनी वीडियोस पे चैनल वायरल है उनका अगर आप वीडियो जाके देखेंगे ना तो भाई देख के ही मजा आएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से उसमें वॉइस ऐड किए हैं, साथ साथ वो जो वीडियो लाते हैं ना वो काफी इंटरेस्टिंग लाते हैं। ठीक है, तो वो तरीका बताऊंगा जहां से आप भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ पाएंगे। जब आपकी वीडियो जबरदस्त रहेगी, आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी तो आपकी वीडियो भी वायरल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं सभी तरीका बताने वाला हूं कैसे आप इसमें वॉइस ऐड करेंगे, कैसे आप अच्छे से वीडियो लेकर आ पाएंगे, कैसे आप इसकी एडिटिंग कर पाएंगे, क्या इसकी कैटेगरी रहेगी, इस वीडियो को अपलोड करते समय क्या आपको ट्रिक लगाना, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम को लेकर ना मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे। देखिए भाई चाइनीज वीडियो यूट्यूब पे क्यों इतना ट्रेंड करता है, क्योंकि भाई चाइना में यूट्यूब बैन है। अब भाई वो लोग दूसरे एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं, दूसरे एप्लीकेशन पे फनी फनी वीडियोस अपलोड करते हैं, तो लोग क्या करते हैं ना उन्हीं की वीडियो डाउनलोड करके अपनी एक्टिविटी ऐड करके उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, वो उनकी खुद की वीडियो हो गई। तो एक प्रकार से ये भी आपको एक प्लस पॉइंट रहेगी कि ये जो उसका असली ऑनर है ना वो आपको यूट्यूब पे नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसमें अपना हल्का फुल्का क्रिएटिविटी ऐड करके आप इस वीडियो को अपलोड करके आप भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो कैसे क्या करना होगा, कैसे आपको वीडियोस बनाना होगा, कैसे आपको वीडियोस एडिट करना होगा, तो चलिए दोस्तों चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वॉइस हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों जस्ट आप लोग बगल में देखिए यहाँ पे मेरी मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो गई है। सबसे पहले दोस्तों मैं चलता हूँ अपनी यूट्यूब के एप्लीकेशन में, वहां पे मैं चाइनीज वीडियो का कुछ आपको वहां पे बताता हूँ भाई कैसे कैसे लोग वीडियोस अपलोड करते हैं और उनके वीडियोस में क्यों इतने व्यूज आते हैं वो समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी YouTube एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पहले इसको बैक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों अब क्या है, पहले मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ चाइनीज फनी वीडियो। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ चाइनीज फनी वीडियो। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने ये टॉपिक यहाँ पे सर्च कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, पहले आप लोग ये देखिए, अभी मैं जस्ट यहाँ पे नीचे आ जा रहा हूँ। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों इस वाले वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 87 मिलियन, इस वाले पे 10 मिलियन, इस वाले पे 33 मिलियन। अब ये जो यहाँ पे 87 मिलियन व्यूज आया, मैं इसके वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो बंदा है ना वो इंडिया का ही बंदा है और ये चाइनीज वीडियो पे वर्क कर रहा है। अब भाई चाइनीज में हिंदी लैंग्वेज तो चलती नहीं, पहले इसका लैंग्वेज आप सुनिए। ये देखिए अबे पुल्लू तू तेरे साथ काम करने मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ये भाई कोई इंडिया का ही लड़का है जो ऐसे वॉइस देके अपना काम कर रहा है। अब इन्होंने क्या किया अपने वीडियो में, अब इन्होंने पहले देखिए इन्होंने अपने वीडियोस में टाइटल किस प्रकार डाल रखा है, अब इसको समझिए। ये इन्होंने अपने वीडियोस में यहाँ पे चाइनीज मोस्ट फनी वीडियो इस प्रकार डाल दिया है, ये काम हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड किया है मैंने वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे टाइप किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, जो उन्होंने अपने टाइटल में डाला था वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और यहाँ पे नॉर्मल सा ये काम कर दिया। ठीक है, और आपको क्या करना है, कैसे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे कैसे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, कैसे आपकी वीडियोस वायरल होगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे आपको ये वीडियो मिलेगा भाई, जो जिसका मतलब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे चाइनीज वीडियो देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये वीडियो देख लिया, अब ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो भाई जो ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन के बारे में बता रखा था ना उसमें क्या लोगों को डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कभी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा था, तो वो मान लीजिए अगर यही वीडियो पे आप वर्क करेंगे, आपको लग रहा है भाई ये वीडियो मुझे अच्छा लग रहा है इसी वीडियो पे वर्क करना है, तो भाई ये वीडियो अगर आपको नहीं मिल पाएगा तो भाई आपको कहीं ना कहीं बहुत मतलब बुरा लगेगा कि भाई यार वो वाली वीडियो नहीं मिल पाई, तो आपके मन में एक डाउट बन जाएगा तो ये वाली वीडियो आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो हो गई। ठीक है, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए चाइना मतलब आपको उस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है जो लेटेस्ट का वीडियो आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हर जैसे जो भाई इन्फ्लुएंसर होते हैं वो डेली बाय डेली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो चाइना में जो लोग ऐसे वीडियोस पे वर्क करें वो जो तुरंत के तुरंत वीडियो अपलोड करें उस वीडियो पे वर्क करना है, उस वीडियो पे वर्क करेंगे भाई तो आपकी वीडियो पे जबरदस्त व्यूज आने वाला है। अब कैसे करना क्या हुआ, कैसे आपकी वीडियोस डाउनलोड होगी, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया चाइनीज फनी वीडियो,
ठीक है। अब यहाँ पे चाइनीज फनी वीडियो मैंने आपके सामने सर्च कर दिया। अब क्या करना है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपको वो चीज ढूंढना होगा कि जो लोग इस कंटेंट पे लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस पे वर्क कर रहे हैं। भाई देखिए चाइना, मैं आपको बताऊं चाइना में यूट्यूब बैन है, उसका असली ऑनर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जैसे चैनल आ गया, अब यहाँ पे इस चैनल पे देखिए दोस्तों क्या होता है, मैं इनके पहले वीडियोस में आता हूँ। वीडियोस में आने के बाद देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे डेली बाय डेली यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हैं। यहाँ पे एक दिन पहले इन्होंने वीडियो अपलोड किया था, यहाँ पे 152,000 व्यूज है यहाँ पे, और ये वाला वीडियो यहाँ पे 22 मिनट का है, यहाँ पे 2 दिन में यहाँ पे 457,000, फिर यहाँ पे 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो यहाँ पे 384,000। अब इनकी मैं वीडियोस को प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखिए ऐड आ गया, और यहाँ पे बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से मैं चल रहा हूँ। अब देखिए इनकी वीडियोस पे, ये देखिए दोस्तों हर एक वीडियो यहाँ पे चाइनीज वीडियो है, यहाँ पे देखिए हर एक वीडियो ये चाइनीज वीडियो का है, मतलब वही से लोग वीडियोस उठाते हैं, वीडियोस उठा के उसी वीडियोस पे वर्क करते हैं। अब मैं इनके चैनल पे आ रहा हूँ, अब ये चीज आप ध्यान से देखिए भाई, ये चैनल पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे चैनल पे आने के बाद ये चैनल जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों यूनाइटेड स्टेट का, आप लोग ध्यान से देखिए। अब भाई यूनाइटेड स्टेट का बंदा है, वो चाइनीज वीडियो उठाकर अपने चैनल पे वर्क करके आज अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। बस यही काम आपको करना है, ये लॉन्ग पे वर्क करे, आपको शॉर्ट पे वर्क करना है, ठीक है। शॉर्ट पे वर्क करेंगे क्या होगा, शॉर्ट वीडियो में अगर हल्की सी क्रिएटिविटी दिख रही है भाई, तुरंत के तुरंत वीडियो वायरल रहा है, तो आपको वही हल्की सी क्रिएटिविटी अपने वीडियोस में यूज करना है। जैसे ये एक चैनल आ गया, अभी ऐसे बहुत सारे चैनल है भाई जो ऐसे वीडियोस पे वर्क करते हैं, मैं अभी नीचे भी आपको और दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये वाला एक चैनल आ गया, इस चैनल से भी आप वीडियो उठा सकते हैं। अब इस चैनल पे भी क्या होता है ना, ये भी लोग ऐसे ही काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला भी चैनल, ये देखिए दोस्तों ये जो वीडियो है ये चाइना का वीडियो है, यहाँ पे ये सब ये चाइनीज वीडियो मैंने शुरू से, ये देखिए ये चाइनीज ही वीडियो है भाई, देखिए ये चाइनीज में ये सब वीडियो है। अब मैं इनका भी कंट्री दिखा रहा हूँ भाई, ये किस कंट्री में वर्क कर रहा है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कंट्री, आप लोग देखिए दोस्तों यहाँ, मतलब भाई चाइनीज वीडियो उठाकर लोग अलग अलग कंट्री में वर्क कर रहे हैं। बस यही काम आपको भी करना है, ऐसे ही अगर आप भी करेंगे भाई तो आपके भी वीडियो पे जबरदस्त व्यूज आएगा। अब जैसे इनके ही वीडियो पे देखिए, यहाँ पे कितने जबरदस्त वीडियो, यहाँ पे 2 महीना पहले अपलोड किया है, फिर यहाँ पे किया है। अब इन्होंने शॉर्ट वीडियो भी अच्छे खासे वर्क करते हैं, यहाँ पे देखो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, मतलब आपको भी यही काम करना है, इन्हीं लोगों की वीडियोस उठाना है और आपको भी इसी प्रकार से वर्क करना होगा। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे लॉन्ग चैनल आपको मिल जाएंगे जो विदेशियों का हो, जैसे मतलब जो यूनाइटेड स्टेट का हो, और जो यहाँ पे जैसे अभी एक चैनल और मैंने दिखाया, ये दूसरे कंट्री का था, यूके का था, ठीक है, मतलब यूके का कोई आ गया चैनल, तो आपको वहां से वीडियो उठाना है। वीडियो उठाने के बाद क्या करना है, आपको अपनी एक्टिविटी ऐड करना है। तो वीडियो उठाने का प्रोसेस तो मैंने बता दिया भाई, ऐसे ऐसे बहुत सारे चैनल मिले हैं, जैसे ये वाला एक चैनल आ गया, ठीक है, इस चैनल पे मैं आ गया हूँ। अब इस चैनल पे आने के बाद इस चैनल पे भी देखिए दोस्तों उसी प्रकार से वीडियोस अपलोड किया जाती है, तो आप इस चैनल से भी वीडियोस ले सकते हैं, यहाँ से भी आपको फनी फनी वीडियोस मिल जाएगी। अब वीडियोस उठाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ये फिलीपींस का है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मतलब अलग अलग कंट्री के लोग ऐसे ऐसे कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आप कंटेंट को ले सकते हैं। अब लेने के बाद अब भाई देखिए यहाँ पे मैं डाउनलोड करने का प्रोसेस नहीं बता सकता, क्योंकि ये यूट्यूब कंपनी गाइडलाइंस के खिलाफ है। बट हाँ, अगर आपको वीडियो डाउनलोड करना है तो मैंने हर एक प्रोसेस पे अपने टेलीग्राम पे बता रखा है, टेलीग्राम पे मैंने उसका लिंक डाल दिया है, जाइए वहां पे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद वहां पे मैंने हर एक प्रोसेस पे वीडियो बना के रखा है, आपको कैसे डाउनलोड करना है सब कुछ मैंने वहां पे बता रखा है। तो जाइए फटाफट से ज्वाइन करिए और आप भी यहाँ से वीडियो डाउनलोड करिए। तो मैं यहाँ से कोई भी एक चैनल से यहाँ पे वीडियो ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी चैनल से एक वीडियो यहाँ से ले रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक आपको हर एक प्रोसेस बता दिया है, अब हम बात करते हैं कि अब इसको आप एडिटिंग कैसे करेंगे। तो मैं एडिटिंग के लिए यूज करता हूँ पावर डायरेक्टर, आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं उसको ओपन कर दीजिएगा, चाहे आप काइन मास्टर से करते हो, फिल्मोरा से करते हो, या फिर आप इनशॉट से करते हो, जिस भी एप्लीकेशन से करते हैं उसको ओपन कर लीजिएगा। हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक ही तरीके से वर्क करता है, हल्का फुल्का चेंज रहेगा वो तो आप यहाँ से देख के समझ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको टैप करना होगा 9:16, ये होता है शॉर्ट का रेशियो, लॉन्ग का रेशियो होता है यहाँ पे 16:9, लेकिन आपको शॉर्ट पे वर्क करना है, शॉर्ट का रेशियो होता है यहाँ पे 9:16, आपको भी 9:16 पे जैसे टैप करेंगे ये कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे दोस्तों आप टैप करेंगे वहां पे ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने वो वीडियो क्या कहता था डाउनलोड किया था, तो मैं यहाँ से वो वाली वीडियो यहाँ पे ले रहा हूँ। अब वीडियो लेने के बाद देखिए दोस्तों वो वीडियो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली वीडियो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आ गई। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 5 मिनट 10 मिनट किसी किसी कोई वीडियो तो 1 घंटा 2-2 घंटा करेगा, लोग आप एक वीडियो डाउनलोड करेंगे ना तो आपका कम से कम भाई 20 से 25 वीडियो आराम से बन जाने वाला है। बस आप उसमें अच्छे तरीके से वॉइस एड करेंगे, अच्छे तरीके से अपनी एक्टिविटी एड करेंगे, भाई आपकी वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल होने वाली है। ये बात आप लोग नोटिस करिए भाई, जितना अच्छे तरीके से आप वर्क करेंगे, जितना फनी तरीके से वॉइस देंगे, उतना ही जबरदस्त तरीके से आपकी वीडियो वायरल होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं तो अपना पूरा कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए, हर एक तरीका समझाया जाए, वॉइस देने का तरीका समझाया जाए। मैं इसलिए भाई अपने हर एक वीडियो में अपना खुद से भाई वॉइस दे के बताता हूँ, जो कि हर एक यूट्यूबर नहीं करता है। मैं अपना वॉइस ऐड करता हूँ कि भाई आपको पता चले भाई इस प्रकार से मुझे भी वॉइस ऐड करना है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा भाई, मैं फनी तरीके से वॉइस देकर दिखाऊं,
उसी प्रकार से आपको एडवाइस देना होगा। अब देखिए आपको करना होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई एक वीडियो पे वर्क करना है, दो वीडियो पे वर्क करना है, ये आप डिसाइड करेगा। मेरे हिसाब से जैसे कि एक मिनट से अंदर अंदर, भाई देखिए शॉर्ट वीडियो का इशू होता है एक मिनट से अंदर, तो एक मिनट से अंदर आप अपने मन से सेलेक्ट करेगा, ठीक है, जहां तक आपको वीडियो अच्छा तरीके से मिल जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू से देख रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग भी मेरे साथ देखिए, ठीक है, आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कहाँ तक वीडियो सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे वीडियो प्ले कर दिया, अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये वाली वीडियो आ गई। अभी शुरुआती में क्या ना, ये छोटा सा वाटर मार्क टाइप आ रहा है यहाँ पे, जैसे तीन बंदे हैं, ये इस प्रकार चैनल लिखा हुआ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये काट के निकालना होगा। तो ये क्लिप काट के निकालने के लिए जैसे यहाँ तक मुझे कट करना है, तो अब क्या करना है आपको, वीडियो पे टैप करना है। वीडियो पे टैप करने के बाद फिर आपको करना होगा यहाँ पे पेंसिल पे टैप करना होगा। ये चीज आप ध्यान से देखिए भाई, क्योंकि कभी भी आपको कोई पार्ट बीच में से कट करके निकालना है, कोई पार्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा वो निकालना है, तो ये चीज आपके बहुत काम आने वाला है। जस्ट आपको उसके बाद यहाँ पे पेंसिल पे आपको टैप करना होगा। जैसे आप पेंसिल पे टैप करेंगे यहाँ पे आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको स्प्लिट पे टैप करना होगा। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट में डिवाइड हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए, क्योंकि भाई वो छोटा सा था इसलिए मैंने छोटा सा ही सिलेक्ट किया। जस्ट आपको उसी छोटे से पार्ट में यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप छोटे पार्ट में टाइप करेंगे यहाँ पे देखो एक छोटा सा पार्ट बन के आ गया। जैसे आप उस पार्ट पे टाइप करेंगे वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक आपको डिलीट का ऑप्शन बन जाएगा। जैसे आप डिलीट पे टाइप करेंगे वो पार्ट हट गया। आप देखिए यहाँ पे शुरुआती में कोई वाटर नहीं है, अब डायरेक्ट यहाँ पे मुर्गा आ रहा है, अभी देखिए इस प्रकार से आ रहा है, इसका यहाँ पे पैर देख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा वाइफ यहाँ पे कम कर दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे इसकी वाइफ आ गई, वाइफ को कुछ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। अब इसी में आपको फनी देखिए वॉइस एड करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा भाई वॉइस कैसे एड करना है। पहले मैं क्लिप काट लेता हूँ, मुझे कितना क्लिप यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसकी वाइफ यहाँ पे कुछ बोल रही है, यहाँ पे देखिए आप लोग देखते रहिए भाई ध्यान से, यहाँ पे इस प्रकार से हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ से खत्म। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक वीडियो यहाँ तक खत्म होगा। तो यहाँ तक मुझे मान लीजिए मुझे 20 सेकंड का एक वीडियो लेना है, ठीक है। तो 20 सेकंड के बाद का पार्ट मुझे डिलीट करना है, तो वही काम सेम करना जो मैंने शुरुआत में बताया था। यहाँ पे पेंसिल पे आपको टैप करना है, जैसे आप पेंसिल पे टैप करेंगे उसके बाद जस्ट आपको स्प्लिट पे यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। फिर आपको स्प्लिट पे जैसे टैप करेंगे यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन बन जाएगा। जैसे आप डिलीट पे टैप करेंगे ये दो पार्ट में, मतलब एक पार्ट मतलब जो रॉन्ग पार्ट था वो कर जाएगा। अब इसी 20 सेकंड में आपको अपनी वॉइस देने होगी, इसी 20 सेकंड को आप अपना पूरा एफर्ट लगाना होगा कि भाई आपकी वीडियो वायरल हो, ठीक है। अब देखिए आपको करने का ये वीडियो भाई अभी देखिए दूसरे का वीडियो है। अब दूसरे का वीडियो, इसमें आपको हल्का फुल्का अपना फिल्टर ऐड करना होगा। फिल्टर ऐड करने से बेनिफिट क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। फिल्टर ऐड करने से भाई इसमें देखिए आपका एक कलर ऐड हो जाएगा, जिससे ये वीडियो लगभग लगभग आपकी हो जाएगी। वो करने के लिए दोस्तों आपको फिर से वही काम करना है, पेंसिल पे टैप करना है भाई, हर एक काम, ठीक है, हर एक खेला इसी पेंसिल में है। पेंसिल के बारे में समझ जाएंगे तो यहीं से आपका हर एक काम होने वाला है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे फिल्टर पे टैप कर दूंगा, यही सेम काम आपको अलग एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसी एप्लीकेशन में सब ऑप्शन होता है। हर एक एप्लीकेशन में स्प्लिट का ऑप्शन होता है, हर एक एप्लीकेशन में फिल्टर का ऑप्शन होता है, हर एक एप्लीकेशन में ये काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई सारे फिल्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, हर एक फिल्टर में लगभग कई सारे फिल्टर यहाँ पे देखो, इसी फिल्टर में यहाँ पे लगभग लगभग 10 से 15 फिल्टर है। तो इसी में से कोई भी एक फिल्टर लेना होगा। जैसे फिल्टर पे टैप करेंगे इसका कलर यहाँ पे हल्का सा चेंज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों ऊपर एक एडजस्ट का भी ऑप्शन बन जाएगा। अब इसको करना हल्का सा कम कर दूंगा, जैसे आप हल्का सा कम करेंगे इसका पूरा कपड़ा मतलब यहाँ पे जो कलर वो अच्छे तरीके से यहाँ पे मैच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक्चुअल नहीं बता रहा हूँ भाई, आपको 22 रखना है, 25 रखना है, 30 रखना है, जहां तक आपको वीडियो अच्छा लगे वहां तक आपको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए दोस्तों आप कितना जबरदस्त यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो लगभग लगभग आपका होगा मतलब 50% आपका हो गया है, लेकिन इस वीडियो को भाई 100% बनाने के लिए आपको इसमें अपनी वॉइस ऐड करनी पड़ेगी। तो वॉइस ऐड करने के लिए दोस्तों वो करना होगा, अब यही तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए अब पहले आपको यहाँ पे अब इसमें आप अपनी वॉइस ऐड करनी होगी, ठीक है। तो वॉइस ऐड करने के लिए आपको करने का वीडियो पे टैप कर देना, वीडियो पे टैप करने के बाद जस्ट आपको पेंसिल पे यहाँ पे टैप कर देना होगा। जैसे आप टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑडियो टूल का, जस्ट आपको आईडी टूल पे यहाँ पे टैप कर देना होगा। जैसे आईडी टूल पे टैप करेंगे फिर यहाँ पे आपको वॉइस ओवर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको वॉइस ओवर पे टैप कर देना होगा। जैसे वॉइस ओवर पे टैप करेंगे ना यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको रिकॉर्डिंग पे टैप करना है। रिकॉर्डिंग पे टैप करने के बाद यहाँ पे ओके पे टैप करना है। अब जैसे मैं ओके करूंगा ना तो मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट होने लगेगी। तो भाई मैं आपके सामने एक बिना स्क्रिप्टिंग वगैरह मतलब बिना कुछ देखे वगैरह आप लोगों के सामने एक वॉइस दे रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को देखिएगा समझिएगा उसके बाद वॉइस दीजिएगा। मैं आपको ओके कर रहा हूं और आपके सामने एक वॉइस यहां पे ऐड कर रहा हूं। बेटा काफी पे ध्यान दे, ओ माय गॉड ये मुर्गा कहां से आ गया, इसके पैर में क्या है देखता हूं, ओ लग रहा है कुछ खुशखबरी लाया, चलो अपने पत्नी को बताता हूं। देख चंपा ये क्या हो रहा है। अभी देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इतनी वॉइस ऐड की, ठीक है, आप लोगों के सामने। अब देखिए मैं अभी भाई आपको प्रॉपर बता रहा हूँ ना, अभी देखिए मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। अभी क्या, अभी देखिए मैं वीडियो को प्ले करूंगा ना, अभी देखिए
मैंने वीडियो प्ले किया लेकिन अभी ऊपर भी इसमें वॉइस आ रही है, ऊपर वाली वॉइस को वो खत्म कर देना होगा तभी आपकी वॉइस यहाँ पे क्लियर सुनाई देगी। ठीक है, आप पूरा खत्म कर सकते हैं क्योंकि भाई देखिए अगर वो कॉपीराइट फ्री नहीं होगा तो आपके चैनल पे कॉपीराइट का झंझट आ सकता है, मतलब म्यूजिक का, तो आपको पूरा म्यूजिक वहां से खत्म कर देना है। बाकी म्यूजिक खत्म करने के लिए दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको जस्ट फिर से वही काम करना है, पेंसिल पे टैप करना है। पेंसिल पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम पे टैप कर देना है। जैसे आप वॉल्यूम पे टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखे दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे एडजस्ट का, इसको आपको पूरा यहाँ पे जीरो कर देना है। ठीक है, तो मैं आप इसको यहाँ पे जीरो कर दे रहा हूँ। अब जैसे आप जीरो करेंगे अब मेरी वॉइस यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे देखिए बेटा काफी पे ध्यान दे। ओ माय गॉड, ये मुर्गा कहाँ से आ गया, यहाँ इसके पैर में क्या देखता हूँ, ओ लग रहा है कुछ खुशखबरी लाया। चलो अपने पत्नी को बताता हूँ। देख चप्पा ये क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इतना वॉइस ऐड किया है, अभी आगे मैंने बोल दिया था। अभी देखिए दोस्त, ठीक है, ये मैंने उस पार्ट को यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। तो कट करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, जैसे आपको पेंसिल पे टैप करना है, स्प्लिट पे टैप करना है, फिर यहाँ पे डिलीट पे टैप करना है, यही प्रोसेस है भाई, ध्यान से समझिए। ठीक है, वहां पर मैं फिर से बता रहा हूँ, वहां पे जैसे इस पे टाइप करेंगे, फिर यहाँ पेंसिल पे, फिर स्प्लिट पे, फिर यहाँ पे डिलीट पे टाइप करना, यही काम करना है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब इसकी वाइफ यहाँ पे वाइफ बोल रही है, तो वाइफ को बुलवाने के लिए आपको करना क्या होगा, आप उसको ध्यान समझिए भाई। ठीक है, वाइफ आप बोलेगी तो आप इसमें वाइफ की आपको डालना, तो आपको यहाँ पे अपना एफर्ट लगाना होगा, जैसे अरे कहाँ पे जा रहे हो इस प्रकार से। अब भाई देखिए भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, आप जैसे जो भी लोग वर्क करते हैं ना वो इसी तरीके से वर्क करते हैं भाई। कुछ लोगों को लगा होगा भाई किस प्रकार से बात करें, लेकिन इसी तरीके से आपको बोलना है, जैसे इस प्रकार से बोलेंगे अरे कहाँ पे जा रहे हो, अरे पता नहीं क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रकार से आप भी बोलेंगे ना भाई। जितना अच्छे तरीके से आप वॉइस देंगे उतना ही जबरदस्त तरीके से आपका वीडियो वायरल होने वाला है। देखिए भाई मैं हर एक चीज खुल के बताता हूँ भाई, कोई भी अपने मन में कोई ये नहीं रखता रखता हूँ कि भाई आपको ये चीज नहीं बताऊं वो चीज नहीं बताऊं, हर एक यूट्यूबर की तरह मैं नहीं हूँ, सबसे अलग हूँ भाई, इसलिए मैं आपको अपना एफर्ट लगाने के बोल रहा हूँ। इस प्रकार से आपको अपना एफर्ट लगा के इसमें बोलना होगा, जैसे मैंने वॉइस देने का प्रोसेस बताया था उसी प्रकार से आपको बोलना है भाई। जितना अच्छे तरीके से आप वॉइस देंगे उतना जबरदस्त तरीके से आपका वीडियो वायरल होगा, इसी प्रकार से आपको भी देना होगा। बाकी अगर इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह ऐड करेंगे तो आपका वीडियो और भी जबरदस्त लगेगा। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम में मैंने बहुत सारे बैकग्राउंड वीडियो ऐड करके रखे हैं, जाइए प्ले करके देखिए सुनिए, जो भी अच्छा लगे वो इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है, ऐड करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक म्यूजिक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जैसे म्यूजिक पे टैप करेंगे यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में आके वो वाले म्यूजिक यहाँ से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला प्रोसेस म्यूजिक इसका म्यूजिक कम करवाया था उसी प्रकार से उसका म्यूजिक कम करके वहां पे एडजस्ट करेंगे तो आपका वीडियो और भी खतरनाक दिखने वाला है भाई। देखिए मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में बताया। ठीक है, तो यार वीडियो कैसा लगा यार कमेंट में जरूर से बताएगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक करिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो में लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, तो बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अब देखिए मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जैसे आपका वीडियो पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक प्रोड्यूस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रोड्यूस पे टैप करिए, उसके बाद यहाँ पे प्रोड्यूस एंड शेयर का ऑप्शन देगा, प्रोड्यूस एंड शेयर पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप प्रोड्यूस एंड शेयर पे टैप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे एक रेसिपी फिर प्रोड्यूस पे टैप करना है। जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस पे टैप करेंगे ये वीडियो से वो क्या आपकी गैलरी में आ जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाई कि अब आपको ऐसे कॉन्टेंट पे वर्क कैसे करना होगा। जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग करते क्या है, ऑलरेडी वो कई सारे चैनल पे वर्क किए रहते हैं, मतलब अपने चैनल पे ऑलरेडी कई वीडियो अपलोड किए रहते हैं, अब उसी चैनल पे ये वाली वीडियो जाकर डालेंगे तो भाई उनका चैनल ऑलरेडी डेड हो जाता है, मतलब उनके चैनल पे जैसे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो अपलोड किए रहेगा ना तो वो क्या है ना, वो चैनल अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है। अगर आप नया एक फ्रेश चैनल बना के ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे तो भाई आपके चैनल पे 100% गारंटी मेरी है कि आपको जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे कंटेंट को आप नए चैनल पे बना के अपलोड करिए, और टाइटल में मैंने जो शुरुआती में जो चैनल लिखा था टाइटल किसी प्रकार से डाला हुआ था उसी प्रकार से आपको टाइटल डालना है। डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाले, अदरवाइज ये कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट वहां पे सिर्फ टाइटल लाके पब्लिक करिए, और हाँ आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट किया करिए यार, जैसे आपने कभी टाइटल डाल के अगर टाइटल डाल दिया अगर आपका वीडियो अच्छा चल रहा है तो आप मतलब तब तक उस पर वर्क करिए। जैसे आपके वीडियो पे लग रहा है भाई इसमें वीडियो पे व्यूज डाउन है तो टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों साथ में लेकर वर्क करिए, मतलब आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आप जिस एक्सपेरिमेंट में आपका वीडियो वायरल हो रहा है उसी एक्सपेरिमेंट को लेकर चलते रहिए, जैसे आपका डाउन होगा फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट करिए, अब ऐसे अपने से खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो आपका वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल होने वाला है। तो आशा करते हैं यहां तक आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब ऐसे वीडियोस की कैटेगरी क्या रहेगी, तो भाई ये वीडियो देखकर लोग क्या होंगे, इंटरटेन होंगे, तो आप इस वीडियो को इंटरटेनमेंट कैटेगरी में अपलोड करेगा, और वीडियोस अपलोड करते समय आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट करना होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों हर एक चीज यहाँ से डिटेल में समझ में आ गया। ये तो बात हो गई चाइनीज वीडियो का। अगर आपको 2D एनिमेशन पे वर्क करना है, अगर आपको अपने मोबाइल से प्रोफेशनल कार्टून बनाना है, अपने लैपटॉप से प्रोफेशनल कार्टून बनाना है, तो दोस्तों मेरे 2D एनिमेशन को ज्वाइन कर सकते हैं।
2D एनिमेशन यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर एक चीज डिटेल में बताया गया है। कोई भी डाउट हो तो मेरे सपोर्ट टीम से मैसेज भी कर सकते हैं, वहां पे मैंने प्रॉपर आपको 2D एनिमेशन बना के सिखाया है। मोबाइल से बना सकते हैं और लैपटॉप से बना सकते हैं। कोर्स लेने से पहले मेरे सपोर्ट टीम से जरूर से मैसेज करें, वहां पे आने के बाद अपने आपके मन में जो डाउट है वो पूछ के तभी आप कोर्स को लें, ठीक है। ऐसा नहीं भाई, आप जो जैसे मर्जी में आप जाके ले लें, फिर बाद में आपको ऐसा लगे भाई इस कोर्स में मेरा पैसा वेस्ट हो गया। जाएंगे सपोर्ट टीम पे मैसेज करेंगे ना, तो आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन देंगे, उसके बाद आप कोर्स को बाय करेंगे तो आपको भी नहीं लगेगा भाई मेरा पैसा यहाँ पे वेस्ट हुआ है। और हाँ, मैं 100% गारंटी लेता हूँ यार, वहां पे पैसा अगर आप लगाएंगे तो भाई आप 100% आप वहां से एनिमेशन सीख के जाने वाले हैं। तो आशा करते दोस्तों यहाँ तक आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो में अगर आप कोई डाउट है तो भाई कमेंट में पूछिए, और ज्यादा ही बड़ा डाउट है तो आइए मेरे इंस्टाग्राम पे वहां पे जाइए, अपने क्वेश्चन को पूछिए, जैसे मैं यहाँ से फिर हो जाऊंगा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने वाला हूँ। तो चले दोस्तों भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चले दोस्तों।